Okay students, here it is Lakshmi Narayan sir. We are going to study lesson number 8 of standard 10. In that lesson, we are studying the last pages. That is soil erosion and what remedies to be carried out for to stop the soil erosion and its conservation and its points of conservation we are going to discussing here. The first one is soil erosion. Here we इधर देखा जाएगा तो soil erosion क्या होता है? तो ऐसा बताया जाता है कि साइल इरोशन जो है बिकॉज ऑफ मतलब कुछ ऐसा चीज़ों की वजह से नेचुरल चीज़ों की वजह से जैसा वाटर हो गया हवा हो गया ये हेवी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर या पानी या हवा बहुत बहती है जिसके वजह से रेती जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाके जब गिर जाती है और उसके वजह से उनको साइल इरोशन का फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिलता है। अगर साइल इरोशन होता है तो क्या होता है? साइल इरोशन जो होता है तो हमको क्या होती है, ज़मीन की जो ऊपरी लेयर जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये यही सिचुएशन जो है अगर एग्रीकल्चर लैंड में होता है तो एग्रीकल्चर लैंड में होता है तो क्या होता है, ऊपर का लेयर जो है वो उस जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, जिसकी वजह से अगर हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड जो लैंड का जो अंदर जो है फसल जो है बहुत कम प्रोडक्शन अपन को देखने के लिए मिलेगा, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल बी गोइंग टू डिक्रीज, कम हो सकता है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखा जाए तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होने की वजह से अपन को कई तरह का प्रॉब्लम हम लोग फेस कर सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सॉइल इरोशन को अपन को रोक के रखना पड़ेगा। तो ये रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये रोकने के लिए जो भी काम काज हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन को रोकने के लिए जो भी काम काज हम लोग करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉपर स्टेप्स हमको लेना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। तो वो क्या है? कंट्रोल द ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स ऑन द लैंड, मतलब जहाँ पे भी हम लोग एनिमल्स को लेके जाते हैं चराने के लिए, वो चराने के बाद जहाँ पे भी जाते हैं वो चराने के समय पे जहाँ पे भी हम लेके जाते हैं हर रोज़ एक ही जगह पे नहीं लेके जाना है, हर रोज़ अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह पे लेके जाएंगे, जिसकी वजह से अपन को ग्रेजिंग जो है उस समय पे उस जगह पे कम से कम हो, ऐसे हिसाब से अपन को देखना है जिसकी वजह से सॉइल इरोशन कम हो सकती है। प्लांटेशन शुड बी कैरीड आउट इन कंट्रोल मेथड इन स्लोपी रीजन्स, जहाँ पे भी माउंटेन रीजन्स रहेगा, जहाँ पे भी पहाड़ी इलाका रहेगा, जहाँ पे भी अपन को ग्रेजिंग ले चले जाते हैं या स्लोप्स जो होता है माउंटेन स्लोप्स, उस जगह पे अपन को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, जिसके वजह से भी जब भी कुछ हेवी रेन्स होता है रेन्स के द्वारा जो भी पानी ऊपर से नीचे बहता है तो वो बहता हुआ पानी के साथ रेती नीचे ना जाने के लिए अपन उनको स्लोप्स के ऊपर प्लांटेशन एक्टिविटीज से कैरी आउट करना चाहिए। प्लांट ट्रीज इन फॉलो लैंड, फॉलो लैंड मतलब दो स्टूडेंट्स वो जगह है जहाँ पे कोई भी कुछ भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या फॉरेस्ट एक्टिविटीज कुछ भी कैड नहीं होता है, एम्प्टी लैंड पड़ा रहता है, वेस्ट लैंड भी हम इसको बोल सकते हैं, उस जगह पे अब हम प्लांटेशन एक्टिविटीज अगर हम कैड करते हैं तो उस जगह का रेती एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का संभावना बहुत कम होता है। कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स ऑन स्ट्रीम्स, मतलब रिवर्स के ऊपर या स्ट्रीम्स के आसपास अगर हम चेक डैम्स कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके द्वारा जो चेक डैम्स रिवर्स के द्वारा स्ट्रीम्स के द्वारा जो पानी बहता है वो बहते हुए पानी के साथ हम रेती को रोक सकते हैं। और दूसरा है कल्टीवेट वेरी डीपली इन द फील्ड्स टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर, जहाँ पे भी हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं हम एग्रीकल्चर का जो खेती जोतते हैं वो जोतते वक्त खेती को ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक हमको ज़मीन को जोतना चाहिए, तभी उसका रेती के द्वारा वो रेती जो है पानी जब हम रिलीज करते हैं उस फील्ड्स के अंदर उसके द्वारा पानी के द्वारा रेती एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का संभावना बहुत कम अपन को देखने के लिए। एंड थर्ड टॉपिक सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन का मतलब यही होता है कि जो सॉइल एरोशन हो रही है उसको हमको रोक के रखना है और सॉइल एरोशन होने से बचाना है अपने ज़मीन को और उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको हम लोग सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। और सॉइल कंजर्वेशन मेन मकसद क्या है, जो प्लेस में जो ज़मीन है
जो सॉइल है उसका वर्जनिटी उस जगह पे बरकरार रखने के लिए जो हम लोग कोशिश करते हैं उसी को हम लोग सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। तो ये जो हम लोग जो कंजर्वेशन करने के लिए जो अलग अलग कदम उठाया जाता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से रहता है, डिफरेंट प्लेसेस के हिसाब से, उसका लोकेशन के हिसाब से, उसका लैंड फॉर्म के हिसाब से हम उस जगह पे सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स हम लोग अपनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है तो उस जगह पर अगर हम पेड़ पौधे उगाएंगे तो उस जगह पे बिकॉज ऑफ द रूट्स की वजह से, प्लांट्स का, ट्रीज का रूट्स की वजह से उधर का सॉइल जो है एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता, क्योंकि प्लांट जो क्या करता है, प्लांट का जो रूट्स होता है वो सॉइल को, पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है, जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग, होल्ड अप ऑफ द सॉइल। तो ये पकड़ के रखने की वजह से उधर अपन को सॉइल इरोशन नहीं हो सकता है, ये एक कंजर्वेशन मेथड अपना सकते हैं। दूसरा है प्लांट ट्रीज इन द रिवर गॉर्जेस एंड माउंटेन स्लोप्स, जहाँ पे भी रिवर्स होता है, नियर बाय रिवर्स की जगह पे नियर माउंटेन स्लोप्स के ऊपर अगर हम लोग ट्रीज ग्रो करते हैं तो उसके द्वारा भी हम लोग बहते हुआ पानी के द्वारा जो रेती चले जाता है उसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि ये सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी कंट्रोल्ड बाई डाइवर्टिंग देयर फ्लो द विंड्स विथ मोर वेलासिटी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो हवा बहती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा बहने की वजह से कंटिन्यूसली जहाँ पे आता है उसको भी हम डिजर्ट रीजन में बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। उस जगह पे अगर हम लोग सीरीज ऑफ ट्रीज अगर कैरी आउट करते हैं, मतलब एक के पीछे ऐसा ऐसा कुछ लाइन्स में, तीन चार पाँच लाइन्स के एक के पीछे का ऐसा लाइन वाइज अगर ट्रीज ग्रो करते हैं तो जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा हेवी विंड्स के द्वारा जो रेती एक उड़ के जो चले जाता है उसको भी हम लोग उस डिजर्ट रीजन में रोक सकते हैं। अगर रिवर्स अगर हम देखा जाए तो जहाँ पे रिवर फ्लड्स होता है बहुत ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्र हो गया, कम से कम साल में 2 से 3 बार अपन को हेवी फ्लड्स आता है, कृष्णा गोदावरी रिवर्स है, गंगा है, जहाँ पे अपन को फ्लड आने के सिचुएशंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये रिवर्स जो का जो वाटर है, हेवी वाटर जो जिस समय पर हो जाता है वो वाटर को ड्राई रिवर में कन्वर्ट करके, मतलब दोनों ड्राइस, जैसे सीजन बेस्ड रिवर जो होता है, समर आते थे रिवर कुछ रिवर ड्राई होता है, तो वो रिवर और ये रिवर को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के वजह से भी अपन को ये फ्लड सिचुएशन को रोक सकते हैं, और फ्लड सिचुएशन रोकने की वजह से अपन को सॉइल इरोशन अपन को रुक सकती है। और दूसरा है तो अनरिस्ट्रिक्टेड पैश्चराइजेशन, मतलब बहुत ज़्यादा एनिमल को अगर हम ग्रेजिंग करवाते हैं तो उस जगह पे क्या होती है, जब गाय बकरी या भेड़ जो भी होगा वो जब घास को खींचती है उसके साथ जो है सॉइल भी लूज हो जाता है, ये लूज होने की वजह से उधर सॉइल इरोशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उस जगह पे अपन को ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना चाहिए कि एक ही जगह पे गाय या बकरी भैंसों को एक ही जगह पे चराना नहीं चाहिए, अगर ये स्टेप्स अगर हम लेते हैं तो इधर अपन को सॉइल इरोशन ग्रास लैंड में। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो मेथड्स लाइक हॉरिजेंटल कल्टीवेशन हो गया, टेरेस्ड फार्म्स हो गया, इसके द्वारा भी हम लोग सॉइल इरोशन को प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब सॉइल इरोशन होने से बचा सकते हैं उस जगहों को। और हम देखेंगे तो ह्यूमस कंटेंट्स, मतलब जहाँ पे भी ह्यूमस कंटेंट्स नहीं रहता है उस जगह पे अपन को ह्यूमस कंटेंट को ऐड करने के वजह से भी अपन सॉइल को रोक सकते हैं। तो इस तरह कुछ अगर मेथड्स हम अपनाएंगे तो जिसको वजह से हम सॉइल इरोशन को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल इरोशन होने से हमारे ज़मीन को बचा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन ऑफ ए सॉइल इरोशन। और ये कंजर्वेशन जो है बहुत नेसेसरी है टुडे, क्योंकि आज के ज़माने में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसा एक्टिविटीज हो रहा है जहाँ जिसको वजह से सॉइल इरोशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और गवर्नमेंट सोसाइटी से डिफरेंट ग्रुप्स है, सोसाइटी अलग अलग तरह का कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको बोलते हैं एनजीओज बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, ये सॉइल इरोशन को रोकने के लिए कई तरह का प्रयास हमारे देश के अंदर चल रही है। तो जो भी पॉइंट्स हमने बताया उसको ध्यान में रख के हमको भी ऐसा कुछ मौके मिलते हैं तो हम भी क्या जहाँ पे लोग होते हैं नियर बाई रिवर्स या फॉरेस्ट या ऐसा अलग अलग जगह पे, उन जगह पे अब उनको सॉइल इरोशन को रोकने के लिए उनको समझाना चाहिए, अगर हम लोकल पीपल में अगर होगा तो ये करने से अब उनको सॉइल को हम रोक सकते।